सभी को नमस्कार। 10th ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। हम लेसन 5, लेसन का नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन, भाग 2 पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज के भाग में हम जानेंगे लोह खनिजों के लोह अयस्क के बारे में। लोह अयस्क 4 तरह के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। उनके बारे में जानेंगे कि किस तरह का जो लोहा है वो कहाँ से, किस राज्य से मिलता है, किस राज्य के पास कितने प्रतिशत भंडार हैं हमारे कुल लोह अयस्क के। उसके बाद जो हम जानेंगे मैग्नीज के बारे में कि मैग्नीज कहाँ से मिलती है, किस राज्य का कितना योगदान है उसके उत्पादन में। फिर बॉक्साइट के बारे में जानेंगे और उसके उत्पादक राज्यों के बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद हम तांबा और अभ्रक के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। अब हम जो सबसे पहले जानेंगे वो है लोह अयस्क के बारे में। देखिए, भूगर्भ में जो चट्टानें हैं उनमें से कोई भी धातु शुद्ध रूप से नहीं मिलती, बल्कि एक मिश्रित अवस्था में मिलती है। इसमें कुछ मात्रा में धातुएं, कुछ अन्य धातुएं, चट्टानी कण और नमी मिलती है। उसे एक निश्चित तापमान पर जब हम गर्म करके पिघालते हैं तो शुद्ध रूप में जो धातु होती है उसके अंदर आपकी लोहा और भी जो धातुएं वो प्राप्त होती हैं। तो जो भारत है उसमें लोह अयस्क उत्पादन में विश्व में 4th स्थान है। देखिए, भारत से आगे 3 देश और हैं जो है चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। 4th नंबर पर भारत है, जहां पर की लोह अयस्क बड़ी मात्रा में पाया जाता है। 4 तरह के लोह अयस्क भारत में पाए जाते हैं। सबसे पहले मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। जो मैग्नेटाइट है ये कम मात्रा में पाया जाता है भारत में। चलिए अब देखते हैं लोह अयस्कों में जो मैग्नेटाइट है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा है। जो मैग्नेटाइट है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा में पाया जाता है। मैग्नेटाइट मुख्य रूप से कर्नाटक के कुंद्रेमुख पर्वत, केरल के कोझिकोड में और तमिलनाडु के सेलम में पाया जाता है। जो हेमेटाइट है वो सेकंड क्वालिटी का, मतलब द्वितीय कोटि का लोह अयस्क है। भारत में जो 80% लोह अयस्क मिलते हैं वो हेमेटाइट हैं, और जो लिमोनाइट और सिडेराइट हैं वो घटिया किस्म का लोह अयस्क हैं। इनका आर्थिक रूप से महत्व कम है। चलिए आगे देखते हैं। अब उन जगहों के नाम जान लेते हैं जहाँ से कि ये मिलता है, या आपको मैप में काम आएगा भरने में। सबसे पहले देखिए, उड़ीसा में 3 स्थान हैं जहाँ पर ये हमें मिलता है, मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़। झारखंड में देखिए पसीरा बुरु, नोवा मंडी। छत्तीसगढ़ में देखिए कहाँ मिलता है, डल्ली, राजहरा, बेला डीला में। कर्नाटक में देखिए कहाँ मिलता है, कुंद्रेमुख, आगे बाबा बुदन पहाड़ी में और संदूर पहाड़ी में ये हमें मिलता है। अब हम एक पाई चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं कि किस राज्य का कितना उसमें सहयोग है। देखिए, सबसे ज़्यादा उड़ीसा 52%, ठीक है जी। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ 16, कर्नाटक 14%, झारखंड 11 और अन्य राज्यों का 7% योगदान है। तो प्रमुख राज्य कौन से हुआ, सबसे उड़ीसा। देखिए 52% आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा है लोह अयस्क। उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, झारखंड और अन्य राज्य। चलिए इससे आगे अब हम देखते हैं मैग्नीज। देखिए, मैग्नीज का अधिकांश जो उपयोग है लोहा और इस्पात उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। भूगर्भ में जिन स्थानों पर लोह अयस्क मिलता है मैग्नीज भी हमें वहीं से प्राप्त होता है। लोहे के साथ ही मैग्नीज भी
धारवार क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। मैग्नीज एक लोहांश धातु है, मतलब जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। यदि इस किसी धातु में 40% से अधिक मैग्नीज है तो उसे मैग्नीज कहा जाएगा, अगर 40 से कम है तो उसे लोहा कहा जाएगा। और देखिए कहाँ मिलता है मैग्नीज, भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। चलिए अब हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि कहाँ हमें मिलता है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों का 2, मतलब जो 5 प्रमुख राज्य हैं वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और अन्य 2%, अन्य राज्यों में सिर्फ 2% ही हमें मिलता है। चलिए अब हम जान लेते हैं बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट से ही हमें अल्मीनियम मिलता है। आप अपने घरों में बर्तन देखते हैं, अधिकतर घरों में अल्मीनियम के बर्तन आपको दिख जाएंगे, तो बॉक्साइट से ही हमें अल्मीनियम प्राप्त होता है। बॉक्साइट के संचित भंडार और उत्पादन दोनों की दृष्टि से भारत में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। देखिए जो भी अधिकतर खनिज हैं वो हमें उड़ीसा से ही मिलते हैं। अधिकांश धातुएं जैसे लोहा, मैग्नीज, सांबा, क्रोमियम, सोना, निकल, जस्ता आदि धारवार क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, किंतु बॉक्साइट धारवार की चट्टानों में नहीं पाया जाता, यह लेटराइट चट्टानों में पाया जाता है। बॉक्साइट में देखिए कौन से राज्य शीर्ष में, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड। चलिए अब मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं कि कहाँ कितने। सबसे प्रमुख उड़ीसा 52%, फिर छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड और अन्य। चलिए अब हम तांबे की खानों के बारे में जान लेते हैं कि तांबा हमें कहाँ मिलता है। तांबा एक भौतिक तत्व है जिसे हम Cu के नाम से लिखते हैं। इसकी परमाणु संख्या 29 है और परमाणु भार 63.5 है। यह एक तन्य धातु है जो विद्युत के चालक के रूप में प्रयोग की जाती है। जो आप अपने घरों में बिजली की तारें देखते हैं, प्लास्टिक के अंदर तांबा धातु होती है जिससे कि ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। भारत में झारखंड इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब अगला देख लेते हैं अबरक। देखिए अबरक क्या है, एक बहुत ही उपयोगी खनिज पदार्थ है। ये अग्नि और कायंत्रित चट्टानों के खंडों में पाया जाता है। इसे हम बहुत ही पतले परतों में चीर सकते हैं, मतलब बिल्कुल बारीक स्लाइस कर सकते हैं इस धातु की। ये रंग रहित होता है या हल्के पीले रंग का, हरे या काले रंग का हो सकता है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।